हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलर नाइट में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर टेक्नीशियन भी इसरो का, जो हमने पेपर पार्ट वन आपको सॉल्व करके दिया था उसी का पार्ट टू है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। अभी हम सेकंड पार्ट में और 30 क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे और थर्ड पार्ट में 20 क्वेश्चन, मतलब जो हमारा पेपर हुआ था 26 नवंबर को इसरो का टेक्नीशियन वी टर्नर ट्रेड के लिए, उसका पेपर हम आपको पूरा सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टेक्नीशियन टर्नर बी का है सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का, हॉल बेसिक सिस्टम में सिस्टम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइडिंग फिट दर्शाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एज पर हॉल बेसिक सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो स्लाइडिंग फिट, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको स्लाइडिंग फिट का कौन सा ऑप्शन ये आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है H11, पहला ऑप्शन है H11 और C11, दूसरा ऑप्शन है H9 और D9, तीसरा ऑप्शन है H8 और F8, और चौथा ऑप्शन है H7 और G6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग है H पूरा कैपिटल में है और उसके बाद का जो दूसरा दिया है पूरा स्मॉल में। तो आपको क्या पहचाना था स्लाइडिंग फिट का, स्लाइडिंग फिट कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H8 और f8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल कट के बाद मशीनी और बिना मशीनी एल्युमिनियम रॉड के व्यास के बीच का अंतर बराबर होता है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक एल्युमिनियम रॉड है, उसके ऊपर जब हम सिंगल कट लगाते हैं तो उसका कट होने के पहले का डायमीटर और कट होने के बाद के डायमीटर का जो अंतर होता है वो कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, दूसरा ऑप्शन है 1/2 डेप्थ ऑफ कट, तीसरा ऑप्शन है 2 डेप्थ ऑफ कट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक सिंगल कट के बाद मशीन डायमीटर और अनमशीन डायमीटर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर स्टॉक की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ टेलर स्टॉक, मतलब जो लेथ मशीन का टेलर स्टॉक का पार्ट होता है वो निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इस पर ड्रिल और रिमर लगाए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है यह जॉब को होल्ड करता है, तीसरा ऑप्शन है इसके स्पिंडल पर है डेड सेंटर लगा होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से टेलर स्टॉक की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जॉब को होल्ड करता है, क्योंकि जो हमारा टेलर स्टॉक होता है टेलर स्टॉक सिर्फ जॉब को सपोर्ट करने के लिए होता है, वो जॉब को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो इन फिगर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस डायग्राम में जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है ऑडलेग कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्प्रिंग, इसलिए इसका नाम दिया गया स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का ग्रेड किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि द ग्रेड ऑफ द फाइल इज डिटरमाइंड बाय, इसके लिए पहला ऑप्शन है विड्थ ऑफ फाइल, दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ फाइल, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिंग ऑफ टीथ, और चौथा ऑप्शन है थिकनेस ऑफ टीथ। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइल का ग्रेड किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनसी मशीन का उद्देश्य क्या है, सीएनसी मशीन का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीएनसी मशीन, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अधिक सटीकता के साथ बैच उत्पादन, मतलब बैच प्रोडक्शन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन में अस्वीकृति दर अधिक, मतलब रिजेक्शन रेट मोर इन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन है अधिक सटीकता के साथ कम उत्पादन दर, मतलब लो प्रोडक्शन रेट विथ मोर एक्यूरेसी, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी मशीन का उद्देश्य क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक सटीकता के साथ बैच उत्पादन, मतलब बैच प्रोडक्शन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम मिलीमीटर में, मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम की गणना करें, मतलब लिस्ट काउंट की कैलकुलेशन हमें करना है यह देखते हुए कि एक मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49/50 मिलीमीटर।
तो इसमें हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास दिया गया मेन स्केल की रीडिंग है। एक मेन स्केल डिवीजन इसका रीडिंग दिया है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग दिया है 49/50 मिलीमीटर। तो जब हम इसके आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.10 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोला गया था, तो इसके आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 0.02। और किस तरह से आता है, तो जब हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे जहाँ से आप पूरा इसका सॉल्यूशन और कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग स्पीड स्थिर रखते हुए जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा आरपीएम क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। एज द डायमीटर इंक्रीज वाइल कीपिंग कटिंग स्पीड कॉन्स्टेंट द आरपीएम विल बी, तो आरपीएम बढ़ेगा घटेगा या फिर कुछ चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कि बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज मतलब घटेगा, तीसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कटिंग स्पीड स्थिर रखते हुए जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता है आरपीएम क्या होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग मतलब आरपीएम घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर सिंकिंग की क्रिया है मतलब काउंटर सिंकिंग इज द ऑपरेशन, मतलब जो काउंटर सिंकिंग होता है वह कौन सा ऑपरेशन होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिल किए गए होल को और बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है होल के अंत में शंकु के आकार में इजाफा करना, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल किए गए होल के अंत में स्टेप ड्रिलिंग और चौथा ऑप्शन है ड्रिल किए गए होल के अंत में स्टेप बोरिंग। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी होल के अंत में शंकु के आकार में इजाफा करना मतलब मेकिंग कोन शेप्ड एनालाइज एट द एंड ऑफ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच टाइप्स ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश फिट, दूसरा क्लियरेंस फिट, तीसरा ट्रांजेक्शन फिट और चौथा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फिट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोड सीएनसी मशीन के सहायक कार्य का वर्णन करता है, विच कोड डिस्क्राइब द एक्सिलरी फंक्शन ऑफ सीएनसी मशीन। इसके लिए पहला ऑप्शन है एन वर्ड, दूसरा एम वर्ड, तीसरा ऑप्शन है जी वर्ड और चौथा ऑप्शन है टी वर्ड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कोड सीएनसी मशीन के सहायक कार्य का वर्णन करता है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी एम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसोमेट्रिक थ्रेड में थ्रेड के किनारों में कौन शामिल होता है, इन आईएसोमेट्रिक थ्रेड द फ्लैंक ऑफ थ्रेड आर हैविंग इंक्लूडेड एंगल ऑफ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईएसओ मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मेट्रिक थ्रेड है उसका जो फ्लैंक का एंगल होता है वो कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 29 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईएसोमेट्रिक थ्रेड में थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60। ध्यान में रखिए कि जो भी मेट्रिक थ्रेड होता है मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है मेट्रिक वी थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रूविंग साइकिल के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है, सीएनसी मशीन में जब हम अगर हमें जॉब के ऊपर ग्रूविंग करना है तो उस समय कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G28, दूसरा G75, तीसरा ऑप्शन है G30 और चौथा ऑप्शन है G90। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि सीएनसी मशीन में अगर ग्रूविंग ऑपरेशन हमें करना है तो कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी G75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम स्वीकार्य आकार और किसी घटक के मूल साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है, मतलब द अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अलाउंसेबल साइज एंड द बेसिक साइज ऑफ कॉम्पोनेंट इज नोन एज। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अपर डेविएशन, दूसरा लोअर डेविएशन, तीसरा एक्चुअल डेविएशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अधिकतम स्वीकार्य आकार और किसी घटक के मूल साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपर डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड आकार आइसोमेट्रिक थ्रेड सिस्टम में परिभाषित किए गए हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द स्क्रू थ्रेड साइजेस आर डिफाइंड इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड सिस्टम।
जो आइसोमेट्रिक थ्रेड सिस्टम है इसमें अगर स्क्रू थ्रेड का अगर हमें आकार डिफाइन करना है तो उसमें किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइनर डायमीटर द्वारा, दूसरा ऑप्शन मेजर डायमीटर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पिच डायमीटर द्वारा, और चौथा ऑप्शन है स्क्रू इफेक्टिव डायमीटर द्वारा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि आइसोमेट्रिक थ्रेड को अगर डिफाइन करना है उसके साइज को तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस थ्रेड का एक किनारा थ्रेड की धुरी के लंबवत है और दूसरा किनारा 45 डिग्री पर है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच थ्रेड हैज वन फ्लैंक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड एंड द अदर फ्लैंक इज 45 डिग्री। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो कौन सा थ्रेड है जिसका एक फ्लैंक एक्सिस के साथ 90 डिग्री में होता है और दूसरा 45 डिग्री में बना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है वर्म थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है बट्रेस थ्रेड। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि वह कौन सा थ्रेड है जिसके एक फ्लैंक एक्सिस के साथ 90 डिग्री में परपेंडिकुलर होता है और दूसरा फ्लैंक 45 डिग्री में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री, जो एक साइड में 90 डिग्री होता है और दूसरे साइड से 45 डिग्री में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में अक्सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें जो जो चार ऑप्शन दिए इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग और शेपिंग, दूसरा मिलिंग एंड ड्रिलिंग, तीसरा ऑप्शन है प्लेनिंग और टर्निंग, और चौथा ऑप्शन है शेपिंग और प्लेनिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में अक्सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिंग एंड ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इंजन लेथ में गियर बॉक्स अंदर लगा होता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन यूनिवर्सल इंजन लेथ गियर बॉक्स इज माउंटेड, मतलब जो यूनिवर्सल इंजन लेथ है उसमें गियर बॉक्स कहाँ पर फिट होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलर स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है टरेट, तीसरा ऑप्शन है स्पिंडल, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ देवो। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यूनिवर्सल इंजन लेथ में गियर बॉक्स कहाँ पर फिट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में फ्लैटनेस के सिंबल को पहचाने। मतलब जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया इसमें से जो फ्लैटनेस का सिंबल है वो हमें पहचानने की, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर फ्लैटनेस इन ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तीसरा ऑप्शन है भी स्ट्रेट लाइन है तीन, लेकिन एक छोटा दूसरे बीच में का बड़ा है और लास्ट वाला छोटा है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ फ्लैटनेस इन ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आपको ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है बॉक्स, ये इसका फ्लैटनेस का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में x के मान की गणना करें, साइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो। तो जो ये क्वेश्चन आपको दिया है ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बता के इसके बाद जो सॉल्यूशन होता है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो पूरी जानकारी हम उसमें पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके देंगे, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से x के मान की गणना करें, साइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जो इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालने के लिए बोला था, तो इसके आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो किस तरह से आता है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के वजन की गणना कर जिसकी लंबाई 2000 मिलीमीटर, चौड़ाई 500 मिलीमीटर, मोटाई 1 मिलीमीटर, और इसकी डेंसिटी 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें हमें क्या है, जो स्टील है इसकी वेट हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास दिया है जिसकी लंबाई 2000 मिलीमीटर है, इसकी जिसकी वेट मतलब चौड़ाई 500 मिलीमीटर है और मोटाई 1 मिलीमीटर है, इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी दिया हमारे हमें 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर जो निकलता है, इसके लिए जो ऑप्शन दिया है 21.4 kg, दूसरा ऑप्शन है 31.4 kg, तीसरा ऑप्शन है 41.4 kg, और चौथा ऑप्शन है 50.4 kg। तो इसके आंसर आ जाता है इसका वेट ऑप्शन नंबर बी 31.4 kg। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है? तो जो ऑप्शन आपको दिया है इसमें से कौन सा एक लेथ मशीन का पार्ट नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा ऑप्शन है फीड रॉड, तीसरा ऑप्शन है आर्बर और चौथा ऑप्शन है लीड स्क्रू। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेथ मशीन का पार्ट नहीं है, तो इसके आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी आर्बर। आर्बर जो होता है यह मिलिंग मशीन का पार्ट होता है, लेथ मशीन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट टूल का उपयोग करके लेथ पर थ्रेड काटते समय टूल सिंगल पथ में चलता है जिसे कहा जाता है? टूल एक के लिए पहला ऑप्शन है अधिचक्रवात, दूसरा ऑप्शन है रेक, तीसरा ऑप्शन है साइक्लॉइड और चौथा ऑप्शन है हेलिक्स। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट टूल का उपयोग करके लेथ पर थ्रेड काटते समय टूल एक पथ पे चलता है जिसे कहा जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेलिक्स। हेलिक्स के ऊपर ही चलता है, जब आप टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड देखते हैं तो हेलिक्स एंगल को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेपर का उपयोग ड्रिल और रिमर के लिए किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेपर इज यूज फॉर ड्रिल एंड रिमर? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोर्स टेपर, दूसरा जर्नो टेपर, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टेपर पिन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेपर का उपयोग ड्रिल और रिमर में किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे परिशुद्धता घटकों में घटकों और मेजरिंग गेज के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयुक्त होते हैं? विच टाइप्स ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीए थ्रेड भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है विटवर्थ स्क्रू थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड और चौथा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि छोटे परिशुद्धता घटकों और मेजरिंग गेज के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, बीए थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन की इकाई क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, दूसरा मेगामीटर, तीसरा इसका कोई यूनिट नहीं होता है या फिर चौथा ऑप्शन है किलोग्राम पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यूनिट ऑफ स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन की इकाई क्या है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी मतलब स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयुक्त होते हैं? जो लेथ मशीन है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है विटवर्थ स्क्रू थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड और चौथा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन के जो लीड स्क्रू होते हैं लीड स्क्रू पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए स्क्रू थ्रेड का डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ बीए थ्रेड का डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.61 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.64 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन 0.7035 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि बीए थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला जो पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 0.6 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व के संदर्भ में आरोही क्रम में है, मतलब कम घनत्व से उच्च घनत्व तक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेंटिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी? इसके लिए पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम तांबा सीसा और पारा, मतलब एल्युमिनियम कॉपर लीड एंड मर्क्यूरी, जिसे पारा को मर्क्यूरी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है तांबा एल्युमिनियम पारा और सीसा, तीसरा ऑप्शन है पारा सीसा तांबा एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है पारा एल्युमिनियम तांबा और सीसा। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व के संदर्भ में आरोही क्रम में है घनत्व कम से उच्च घनत्व तक, तो इसके आंसर जो आ जाता है ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी लीड कॉपर और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ टॉर्क इज, जो टॉर्क होता है टॉर्क का यूनिट पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है जूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है, यूनिट ऑफ टॉर्क मतलब टॉर्क की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाता है
ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारा जो टेक्नीशियन इसरो का जो टेक्नीशियन टर्नर के लिए जो टेक्नीशियन बी का पेपर होता पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करके दिया 60 क्वेश्चन तक। इसके बाद का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। पूरा जो क्वेश्चन मैथ के तौर पर दिया उसे भी हम एक्सप्लेनेशन करके पीडीएफ में ऐड कर देंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।